हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्लॉग दुर्गा सप्तमी और अष्टमी का। फिलहाल शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर कन्या पूजन के लिए, जो अगले दिन होने वाला है, उनके जो गिफ्ट्स होते हैं उनका पूजन करने के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद जो दिया जाता है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ कुकीज़ के पैकेट, इंडिविजुअल पैक्स आते हैं, और कुछ ये चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। और यहाँ पर लाने के बाद मुझे एक बार लगा कि एक बार चेक कर लूँ कहीं एग वगैरह तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से चेक कर लिए। तो बस ये बॉक्स हैं और ये मैंने होम बार्गेन से लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, बच्चे स्कूल में स्नैक वगैरह लेकर जा सकते हैं इसमें, और देखने में बड़े प्यारे, ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लिखे हुए हैं इनके ऊपर। तो बस मैंने इनके ऊपर कुकी रख दी है और बहुत सारी मैं चॉकलेट्स, और साथ में फिर जो सिक्का होता है तो वो मैं मनी दे दूंगी बच्चों को। तो बच्चों को अगर पैसे के साथ थोड़ा बहुत कुछ गिफ्ट मिल जाए है ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इंडिया में होते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक प्लेट, बर्तन, कुछ इस तरह की चीज खरीद लो, चूड़ियां खरीद के ले आओ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लास्ट टाइम मैंने हेयर क्लिप्स वगैरह की थी, तो इस बार मुझे लगा कि थोड़ा कुछ डिफरेंट करती हूँ, तो फिर मैं इसीलिए ये लंच बॉक्स ले आई और इनको मैंने बच्चों के लिए स्वीटीज से फिल कर दिया है। इसके बाद आज घर में जो है, बहुत दिनों बाद अद्वि की एक फरमाइश पूरी होने वाली है। श्राद्ध की वजह से हम कुछ भी नया नहीं खरीद कर लेकर आ रहे थे, और नवरात्रि में भी इतना बिजी बिजी जा रहा था कि हो ही नहीं पा रहा था। तो जो नई चीज आई है वो आप अब देखेंगे, और वो है हमारी नई फिश। तो हम लेकर आए हैं गोल्ड फिश एक और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेनबो है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर है, लेकिन ये गोल्ड फिश की जो प्रजाति होती है ये उसी से है। तो जब भी आप फिश खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको डायरेक्टली एकदम से आप फिश टैंक में ना डालें, वो जिस पाउच में आती है उस पाउच को थोड़ी देर ऐसे ही उस पानी में डाल दें, ताकि जो दोनों पानी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके एक सा हो जाए। अदरवाइज फिर फिश का अगर एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है तो उससे वो बीमार हो सकती है। तो बस इस पाउच को हम ऐसे ही 10-15 मिनट डाल देंगे इसके अंदर, और फिर ये लाइक 15-20 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे, तब तक टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है टेम्परेचर, आई थिंक 20 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, और इसके बाद बस हम इसको पाउच में से निकाल देंगे। और पाउच के अंदर एयर, पानी, सारी चीज़ें होती हैं, जो भी होते हैं वो पेट शॉप वाले वो सारी चीज़ें सही से करके देते हैं, तो बिल्कुल सेफ होती है अंदर फिश। तो हमारी नई फिश आ गई है और अद्वि ने इसको नाम दिया है रेनबो। तो रेनबो और होली अब दोनों जो हैं वो आराम से भागा दौड़ी मचाएंगे फिश टैंक में, और अद्वि वॉज सो हैप्पी। वो बोल रही थी कि मामा मुझे कन्या पूजन के बाद लंच बॉक्स भी मत देना, मुझे रेनबो मिल गई है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों में कितने खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये रेनबो, और इतनी चंचल थी जब वहाँ फिश टैंक से हम इसको लेकर आए, और दोनों खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद बस हम लोग फिर तैयार होंगे और हम निकलेंगे मंदिर के लिए। वीकेंड पर पड़ रही है सप्तमी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सप्तमी में हमने इतना इंजॉय किया, हम लोग आई थिंक रात के 1 बजे घर वापस आए थे, सब लोग चले गए थे और हम एंड तक वहाँ पर डांस करते रहे, रियली इंजॉयड अ लॉट। जब वीकेंड होता है ना तो सभी लोग फ्री होते हैं, और फ्राइडे सैटरडे सब कोशिश करते हैं आने की, तो यहाँ पर बस हमारा गरबा चल रहा है। और जो इन सॉन्ग्स की ओरिजिनल क्लिप है, लाइक ओरिजिनल वॉइस है, ओरिजिनल गाने हैं, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूँ, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी बीट से और कौन से सॉन्ग पे हमने डांस किया। लेकिन यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से हम नहीं डाल सकते हैं, और अभी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं म्यूजिक कंपनीज में, उनसे कॉपीराइट बाय कर सकूँ, आई कांट अफोर्ड दैट। तो बस मैं यहाँ पर यूट्यूब का कोई अच्छा सा म्यूजिक डालने की कोशिश करूँगी और आप लोग इंजॉय करें। बहुत सारे सॉन्ग्स थे, लाइक चौगाड़ा वाला सॉन्ग था, ढोली थारो वाला सॉन्ग था, ढोल बाज था, सो मैनी सॉन्ग, सो वी रियली इंजॉयड। और यस, अब आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए यहां पर।
लास्ट वीडियो में कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हस्बैंड डांडिया नहीं करते हैं क्या, तो वो बहुत कम करते हैं, कोई बहुत ज्यादा फोर्स करे, बिल्कुल खींच कर ही ले जाए उनको तो करते हैं, क्योंकि उनको डांस बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मुझे बॉलीवुड डांस आता है, मैंने कुछ प्राइज भी जीते हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आदत छूट जाती है। बट ये जो टाइम होता है इस टाइम पर हम जरूर करते हैं, लेकिन हस्बैंड बहुत ज्यादा शाय हैं इन चीजों में, तो वो नहीं करते हैं। बस ये कि शगुन के तौर पर आकर एक दो बार वो जो है डांडिया खेल लेते हैं, फिर वो बीच में से निकल जाते हैं। बट आई एम लाइक कि 1 घंटे तक हम लोगों ने ये कंटिन्यूअस डांडिया यहाँ पर खेला उस दिन, और जो डांस था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पता नहीं आपको देख के लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आप सबके जरा चेहरे देखिए, खिले हुए हैं, स्माइल है, थक चुके हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी सब लोग इतना इंजॉय कर रहे थे। दिस इज ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ लाइफ। और मैंने यहाँ यूके आने से पहले कभी डांडिया गरबा नहीं किया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। जब से मैं यहाँ, अब तो मुझे 4-5 साल हो गए हैं लगातार करते हुए, लेकिन यहाँ आकर मैंने ये चीजें शुरू की थी एंड आई रियली इंजॉय। इंडिया में मैंने कभी नहीं किया था, डांस बहुत किए हैं लेकिन जो गरबा और डांडिया होता है स्पेशली, वो मैंने कभी नहीं किया था, और अब लगता है कि कितना मिस किया है हमने, क्योंकि यूपी में इतना ज्यादा नहीं है इन चीजों का, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र उधर की तरफ ज्यादा है, हमारी तरफ इतना नहीं था। अब तो वैसे भी बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह जो हैं वो करने लगी हैं इन चीज़ों को, क्रेज़ बढ़ा है इन चीज़ों का, लेकिन तब हम थे इंडिया में, उस टाइम पर इतना नहीं था। तो यस, यहाँ पर और डांस चल रहा है, सो यू इन्जॉय मोर, और उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आपसे अगले दिन अष्टमी की पूजा के बाद। तो मैंने एक कॉन्टिन्यूस व्लॉग बनाया है, क्योंकि फिर एक साथ डाल दो तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बहुत कम क्लिप्स रहती हैं, फिर आप लोग बोलते हैं छोटी सी वीडियो है दीपिका, कुछ लोगों को लंबी वीडियो से कंप्लेन है, कुछ लोगों को छोटी वीडियो से है, तो मैं कोशिश कर रही हूं कि एक मिड लेंथ की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। सप्तमी को किड्स आरती थी, बच्चों ने आरती की थी उस दिन, तो यस, बच्चों का यहाँ पे आरती का हो गया है, और जब लास्ट में सब लोग जा चुके थे तो यहाँ पर हमने घूमना शुरू किया एंड लिटरली मुझे चक्कर आने लगे थे, जिगना बहुत तेज घूमती है और उसने मुझे हिला के रख दिया, और हम दोनों उसके बाद ऐसे हो गए कि पूरा हॉल जो है वो घूम रहा है। आंटी के साथ घूमने में मजा आया कि वो आंटी धीरे धीरे कर रही थी एंड आई वॉज लाइक कि यस, फिर आंटी बोली कि थोड़ा सा तो तेज करो, इतना रुक रहे, और मुझे इतनी हंसी आने लगी यहाँ पर कि तेज करना है, स्लो करना है, कहीं आंटी गिर ना जाए, लेकिन इसके बाद फिर आंटी ने स्पीड पकड़ी और फिर हमने थोड़ा सा फास्ट किया यहाँ पर।
और ये है बस अगले दिन मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और यहाँ पर कपूर है वो जलाया था मैंने और उसकी धुनी देना बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसकी जो स्मोक है वो पूरे घर में दी जाती है तो पूरे घर का जो माहौल होता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और कपूर की जो महक होती है वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने बस यहाँ पर प्रसाद वगैरह जो है वो बनाना शुरू कर दिया है, तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और अष्टमी में हमारे यहाँ पर सूजी का हलवा, छोले, पूरी, चने ये सारी चीज़ बनाई जाती हैं। इन सभी चीज़ों की रेसिपी जो है वो ऑलरेडी चैनल पर है, मैंने पहले भी शेयर करी हैं और हर बार जब भी मैं दुर्गा अष्टमी का व्लॉग शेयर करती हूँ तो यही चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना है कि मैंने ये चीज़ें कैसे बनाई हैं तो प्लीज़ आप मेरे नवरात्रि वाले व्लॉग्स जो हैं पहले के वो चेक कर लें, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पर, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स ईजिली मिल जाएंगी। तो बस यहाँ पर मेरा जो हलवा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इस बार के हलवे में मैंने पानी भी डाला है और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दूध भी डाला है और शायद जब मैंने दूध डाला था तो वो क्लिप मिस हो गई है, तो जब ये थिक हुआ था उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, उससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है और हलवे के अंदर थोड़ा सा क्रीमी सा जो फ्लेवर है वो आ जाता है। तो बस देखते ही देखते यहाँ पर सूजी का जो हलवा है क्रीमी सा वो बन के तैयार हो गया है और मैंने इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले हैं, सिर्फ इलायची का पाउडर डाला है क्योंकि मेरी जो देवी है, कन्या है, बिटिया रानी, वो नहीं खाती है इतना ज़्यादा, तो इसीलिए बस मैं जब हम लोग खाते हैं तो बस ऊपर से गार्निश कर लेते हैं लेकिन मैं बनाने में नहीं डालती हूँ। तो हलवा तैयार है, इसके बाद अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ छोले बनाने की। तो मैंने ऑयल डाला है, इसके बाद हींग डाला है इसमें और जो नॉर्मल मसाले होते हैं डेली के, जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ डालूंगी और उसके बाद बस टमाटर की प्योरे इसके ऊपर डाल दूंगी और चना मसाला भी डाला है मैंने और चना मसाला जो है वो बिना अनियन वाला है। हल्का सा इनको फ्राई करके बस टमाटर ऐड कर दें और फिर टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लें जब तक कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट ना हो जाए। छोले मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के वो मैं उसके अंदर फिर ऐड कर दूंगी और यहाँ पर जो है माई हेल्पिंग हैंड यहाँ पर पूरियों का जो आटा है वो बना रहे हैं, बहुत मस्त आटा बनाते हैं ये, मेरे हाथ से तो इतना टाइट नहीं बनता है लेकिन ये बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बस उधर आटा जो है वो भी तैयार हो गया है और इधर मसाला तैयार होने लग रहा है और उधर की तरफ मैं बिल्कुल यहाँ पर चने बना रही हूँ जो काले चने होते हैं, तो नॉर्मल मसाले डाले हैं वही जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च ऑयल में और उनको हल्का सा सॉटे करके और इनमें मैं चने शामिल कर दूंगी। उबले हुए चने हैं ये और 15 मिनट लग जाते हैं इनको बॉईल करने में, वही थोड़ा सा नमक डाल के ही मैंने इनको बॉईल किया था। तो बेसिकली जो देवी का प्रसाद होता है वो यही होता है, हलवा, पूरी और चने। थोड़ा सा मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए। तो बस इस तरह से मेरे यहाँ पर ये काले चने जो हैं वो भी तैयार हो जाएंगे और उधर छोले जो हैं वो भी तैयार होने वाले हैं, तो बस धीरे धीरे सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और सिर्फ पूरी उतारने का काम रह जाएगा। चने भी तैयार हो गए हैं और यहाँ पर जो छोले हैं वो भी अच्छी तरह से उबल रहे हैं, उनको मैंने हीट थोड़ी सी सिम कर ली है ताकि थोड़े से थिक हो जाएं और जो उधर आटा था उस आटे को अच्छे से समेट कर अब मैं उसकी लोइयाँ जो हैं वो तोड़ के तैयार कर लूँगी, उसके बाद बस फिर मैं बेलती रहूँगी और हस्बैंड आकर यहाँ पर हेल्प कर देंगे पूरियाँ उतारने में। इसके बाद फिर हम कन्या पूजन वगैरह करेंगे और कन्या पूजन मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपको दिखाया है तो आज मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ, अदरवाइज़ फिर हर बार सेम ही हो जाता है।
तो बस छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको पूजा जाता है। और कुछ के जो टिफिन बॉक्सेस थे वो मैं मंदिर में ही ले गई थी, क्योंकि हर कोई सुबह को घर नहीं आ सकता है, बच्चे जो हैं वो बिजी होते हैं, किसी की कुछ एक्टिविटी है, किसी का कुछ होता है। तो मेरे घर पे जो है दो कन्याएं थी, तो मैंने दोनों कन्याओं की अच्छे से पूजा कर दी थी। बाकी जो है मैं पहले दिन सप्तमी वाले दिन शाम को जो है वो मैं लड़कियों के पैर छूकर उनको वहां पर उनके टिफिन बॉक्सेस दे आई थी। यही करना पड़ता है, क्या करें, यहाँ ऐसा नहीं है कि घर के बाहर खड़े हो जाओ और लड़कियां हर घर में से निकलती हैं जीमने के लिए और फिर उनको बुला लो कि बेटा इधर भी आ जाओ। हम छोटे थे तो यही होता था और इतनी खुशी होती थी ना, हम सुबह ही जल्दी उठ जाते थे जब ये कन्या जीमने का काम होता था। और सबसे बड़ा जो लालच होता था वो ये कि 1 रुपया मिलेगा, 2 रुपये मिलेंगे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर पूरियाँ तैयार हो गई हैं, सब कुछ तैयार हो गया है और इसके बाद बस अब मैं कन्या पूजन करूँगी। और अब है टाइम 7 दिन के बाद खाना खाने का। भले ही आप फास्ट में चाय पी लें या फ्रूट्स खा लें, लेकिन जो वो एक तसल्ली होती है ना रोटी सब्जी खाने की, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो जब 7 दिन बाद खाना मिलता है ना, तो वो इतना टेस्टी लगता है कि बता नहीं सकती हूँ। आप लोग भी शायद ऐसा ही फील करते होंगे। और फास्ट रखना अलग चीज़ है, खाना खाना अलग चीज़ है, और सबके यहाँ अलग अलग तरह का होता है। मेरी एक फ्रेंड है वो जो सिर्फ फ्रूट्स फ्रूट्स के ऊपर ही फास्ट रखती हैं, एक फ्रेंड है जो सिर्फ लिक्विड्स ही लेती हैं पूरे नवरात्रि में। तो सबका अलग अलग जॉनर होता है कि हाँ कौन किस तरह से कर सकता है। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टफ टास्क जो है वो ढूंढ लेते हैं नवरात्रि में। तो ये सब यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ। और 7 दिन बाद पूरियाँ खाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा नशा हुआ कि बस ये खाने के बाद सीरियसली मुझे इतनी नींद आ रही थी कि फिर हम सो गए। और अब यहाँ पर आप मेरा एक फेस एक्सप्रेशन देख रहे होंगे कि मैं कितनी सीरियस होकर टीवी देख रही हूँ। हम एक वेब सीरीज देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो वेब सीरीज है ये जो इंटेलिजेंस वाले एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर है। इमरान हाशमी की ये नई आई है, प्राइम पर आई है आई थिंक, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी वेब सीरीज है। 5 आवर्स की है आई थिंक, 6 और 7 एपिसोड्स हैं और हमने एक दिन में ही ये सारे फिनिश कर दिए। रियली लाइक दैट वन। तो प्राइम पर, नेटफ्लिक्स पर बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज हैं जो आप देख सकते हैं, और जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी लगता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आई एम काइंड ऑफ पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा इश्यू बेस्ड चीज़ें आजकल नहीं पसंद है। जब से मेरी बेटी हुई है मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में भी डर लगने लगा है, क्योंकि हर तरफ जो है वो बस मारकाट ही दिखाई देती है, कहीं खुशियाँ तो रह ही नहीं गई हैं। तो मैं बहुत डरती हूँ आजकल कुछ भी इश्यू बेस्ड चीज़ें देखने से, लेकिन कोई कोई सीरीज होती है जो अच्छी लगती है देखने में, तो ये उनमें से एक थी जो मुझे पसंद आई है। तो यस, यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप सॉल इन वन चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, बाय बाय।